नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, संस्कृत साहित्य जो हिंदी के प्रश्न पत्र में पूछा जाएगा उसके कुछ वीडियोस मैं आपको लेकर आ रही हूँ। जो भी उपयोगी और महत्वपूर्ण सामग्री है मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको प्राप्त हो जाए, ताकि आपको इधर उधर परेशान न होना पड़े। आप इनको लिखते चलिएगा और कंठस्थ कर लीजिए। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारवी। इसके पहले हमने भवभूति की बात की थी, आज हम भारती की बात करेंगे। दंडी द्वारा रचित अवंति सुंदरी कथा के अनुसार भारवी दंडी के प्रपितामह। भारवी का जन्म 560 ईस्वी में, भारवी का समय 560 ईस्वी से 660 ईस्वी के मध्य माना जाता है, तथा सही से ज्ञात नहीं हो सका है। इनके पिता का नाम श्रीधर तथा माता का नाम सुशीला। भारवी के पिता का नाम श्रीधर तथा माता का नाम सुशीला। ये दक्षिण भारत के निवासी और शैव भक्त थे, शिव जी के भक्त थे, शैव भक्त थे। ये चालुक्य वंशीय राजा विष्णु वंदित के वर्धन के सभा पंडित थे। इतिहास में आपने चालुक्य वंश पढ़ा होगा। ये चालुक्य वंशीय राजा विष्णुवर्धन के सभा पंडित, ये संस्कृत साहित्य में अलंकार शैली के जन्मदाता, विचित्र मार्ग के प्रतिपादक। ध्यान रखिएगा, ये संस्कृत साहित्य में अलंकार शैली के जन्मदाता तथा विचित्र मार्ग के प्रतिपादक थे। भारवी अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है ये, भारवी किस लिए प्रसिद्ध है? अपने अर्थ गौरव के लिए, भारवी अर्थ गौरवम कहा जाता है। भारवी का एकाक्षरी श्लोक ना नो नुन्नो, उनका एकाक्षरी, एकाक्षरी मतलब सिर्फ ना अक्षर से ही उन्होंने इस श्लोक की रचना की है। भारवी का एकाक्षरी श्लोक ना नो नुन्नो प्रसिद्ध है। नारिकेल फल सम्मिता वाचौ, भारवी के बारे में आचार्य मल्लिनाथ की उक्ति है। आचार्य मल्लिनाथ की उक्ति भारवी के बारे में क्या है? नारिकेल सम्मिता वाचौ। ठीक है, अब बात करते हैं इनके साहित्य की। भारव रचित मात्र एक ही कृति प्राप्त होती है, किरातार्जुन। ठीक है, 18 सर्ग की है ये, 1040 श्लोक है इसमें और वैदर्भी रीति में इसकी रचना हुई। इसका उपजीव महाभारत का वन पर्व, इसका उपजीव उपजीव काव्य पूछा जाता है, वो महाभारत का वन पर्व है। इसमें अर्जुन द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न कर पाशुपात प्राप्त करने की कथा का वर्णन। अर्जुन शिव जी को प्रसन्न करके पाशुपात प्राप्त करते हैं, इसमें उसी का वर्णन किया गया है, उसी कथा का वर्णन इसमें है। ये मूलतः वीर रस प्रधान काव्य है जिसका सर्ग आरंभ, ये बात विशेष ध्यान रखिएगा, इसका सर्ग आरंभ श्री एवं सर्गांत लक्ष्मी शब्द से पूछा जाता है। ये इसका सर्ग आरंभ श्री और सर्गांत लक्ष्मी शब्द से होता है, तथा इसके प्रथम तीन सर्ग अत्यंत क्लिष्ट है, मतलब बहुत कठिन है। इसके एक ही तो इन्होंने लिखा किरातार्जुनीयम, उसके भी जो प्रथम तीन सर्ग हैं ये बहुत ही कठिन, अत्यंत क्लिष्ट है, इसीलिए इसको पाषाण त्रय, ये जो पहले तीन सर्ग हैं ये पाषाण त्रय कहलाते हैं। ठीक है, अत्यंत क्लिष्ट होने के कारण ये क्या कहलाते हैं? पाषाण त्रय। इसी वीडियो में हम बात कर लेते हैं, वरना वीडियो बहुत छोटा हो जाएगा। बात करते हैं माघ। ठीक है, माघ का समय 7वीं शताब्दी माना जाता है। इनके पिता का नाम दत्तक तथा माता का नाम ब्रह्मी था। माघ के पिता का नाम दत्तक तथा माता का नाम ब्रह्मी था। इन्हें घंटा माघ की उपाधि प्राप्त है। माघ को घंटा माघ कहा जाता है। माघ कवि उपमा अर्थ गौरव तथा पद लालित तीनों गुणों के लिए प्रसिद्ध है, पूछा जाता है। ज्यादातर महत्वपूर्ण चीजें ही हमने इसमें रखे हैं। इसमें
माघ में तीनों गुण पाए जाते हैं, इसलिए कौन कौन से? अर्थ गौरव, उपमा और पदलादित्य। तो इसीलिए कहा जाता है माघे संति त्रयो गुण। क्या कहा जाता है इनके बारे में? माघे संति त्रयो गुण। साहित्य की बात की जाए तो इनका जो साहित्य है शिशुपाल वधम, इसमें 20 सर्ग है शिशुपाल वधम, 1650 श्लोक है, उसका उपजीव काव्य महाभारत है, यह वीर रस प्रधान है और इस महाकाव्य के नायक श्री कृष्ण है। इसका सर्गारंभ कथा सर्गांत श्री शब्द से हुआ है। इसमें रैवतक पर्वत का वर्णन किया गया, ठीक है, इसमें रैवतक पर्वत का वर्णन किया गया है। पूछ लिया जाता है चाउरसा की प्रॉब्लम क्या हुई थी संस्कृत साहित्य में, मेरी पुस्तक में मैं आपको बता चुकी हूँ, कृपया इसके लिए क्षमा करिएगा। श्रीहर्ष को भी मैं इसी वीडियो में खत्म कर देती हूँ, चलिए क्योंकि बहुत थोड़ा सा है। श्रीहर्ष का समय 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है, श्रीहर्ष का समय 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। ये शैव थे, इनके पिता का नाम हीर तथा माता का नाम मामल्य देवी। पिता का नाम हीर तथा माता का नाम मामल्य देवी था। श्रुति के अनुसार ये मम्मट के मामा माने जाते, किसके? मम्मट के मामा। इन्हें कन्नौज के राजा जयचंद का आश्रय प्राप्त। जयचंद को आपने सबने नाम सुना होगा, जयचंद के आश्रय में थे श्रीहर्ष, जो इन्हें सम्मान से दोपान और सिंहासन देते थे। जयचंद इनको सम्मान से दोपान और सिंहासन देते थे। श्रीहर्ष ने स्वयं को अमृत रूपी चंद्रमा कहा है। इनका साहित्य की बात की जाए तो इन्होंने नैषधीय चरितम लिखा है, इसमें 22 सर्ग है, वैदर्भी रीति में लिखा हुआ है और 2830 श्लोकों आ गया है। 22 सर्ग वैदर्भी रीति और 2830 श्लोकों में लिखा हुआ है। इसमें नल दमयंती के प्रेम विवाह का वर्णन किया गया है। नल दमयंती के प्रेम विवाह का वर्णन है इसमें। इसे विद्वानों के लिए औषध समान माना गया है। पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा, बार बार कह रही हूँ, इसे विद्वानों के लिए औषध समान माना गया है। कहा जाता है नैषधम विद्वौषधम, ठीक है। आज हमने तीन साहित्यकारों के बारे में आपको बताया, अगर अच्छा लगा हो तो ज्यादा ज्यादा इसको शेयर करिएगा, लाइक तो कर ही दीजिएगा, कमेंट द्वारा फीडबैक देते रहना बहुत जरूरी होता है ना, इससे चैनल भी अच्छा होगा। अगर चाहते हैं आप कि इसमें उत्तरोत्तर प्रति हो तो फीडबैक बहुत जरूर दीजिएगा, करिए अपने कमेंट की बात। चलिए, मुझको सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।